हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप इतना कीमती वक्त निकालकर मेरा व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये नाश्ते में बना रही हूँ आलू का पराठा। वैसे तो कोई अनोखी बात नहीं है मैं आलू का पराठा बना रही हूँ, मेरे घर में तो एक दिन छोड़ के आलू के पराठे बनते ही हैं और सबको इतने पसंद भी रहते हैं। तो आजकल ना धनिया बड़ा महंगा हो रहा है और ना मिलता भी नहीं है, तो मैं धनिया लाती नहीं हूँ, नहीं तो हमें धनिया बहुत अच्छा लगता है, हम खूब सारा डालते हैं भर भर के पराठों में। तो अच्छे से जब खोलते हैं ना तो ग्रीन ग्रीन ना दिखे ना, तब तक मज़ा नहीं आता। तो धनिये की कमी पूरी करने के लिए ना थोड़ी सी हरी मिर्च डालनी पड़ती है कि थोड़ा सा तो अंदर से अच्छा लगे पराठा। तो बस ये दो पराठे ही बनाए हैं मैंने, दो ही आलू रखे हुए थे उबले हुए, तो अपना मैंने नाश्ता ऐसे बनाया था और थोड़ा सा लगाया है मैंने ऊपर से बटर। और आज ना मेरे पास ये दो मटके रखे हैं, ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही डेकोरेट किए थे, बट ये मैंने ना उससे बनाए थे, पिस्ता के जो छिलके होते हैं ना उससे, लेकिन ये मतलब ज़्यादा चले नहीं और इनके पिस्ता निकल निकल के डेली गिरते रहते हैं, तो मेरा मन नहीं है इसको रिपेयर करने का। तो मैं अब इसका ये डिज़ाइन ही हटाने वाली हूँ और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ भी मैंने अब इसके ऊपर कैसा डिज़ाइन बनाया है। तो अभी तो इसको साफ़ कर रही हूँ और थोड़ा सा इन्हीं मटकों का ही काम किया है मैंने सारा दिन, और शाम को आज मन था इडली सांभर बनाने का, तो थोड़ा सी देर के लिए मैंने अरहर की दाल भिगो दी थी और नमक और हल्दी डाल के गैस पर चढ़ा दी थी, और साथ साथ ही मैंने इमली भी भिगो दी है। दाल में तो दो ही सीटी लगेंगी और वो अच्छे से घुल जाएगी। इमली भी अच्छी तरीके से फूल गई है और दाल में भी दो सीटी लग गई हैं। और अगर मुझे इसको दाल बनाना होता ना तो मैं इसको सीधा छौंका लगाती और दाल तैयार हो जाती, लेकिन मुझे इसका सांभर करना है तो मैंने ये अपना विस्कर इसके अंदर घुमा दिया है, तो दाल एकदम से घुल गई सारी। और अभी के अभी मैंने इसमें इमली का पानी भी डाल दिया है और इसको अब थोड़ा सा अलग से गर्म होने के लिए रखूँगी। और तड़का लगा रही हूँ अब सब्जियों को, तो सब्जियाँ तो सारी आई हुई थी, थोड़ी सी बीन्स ली है मैंने, गोभी ली है और गाजर ली है, और बस उसी को ही डालूँगी मैं थोड़ा सा प्याज के साथ। तो सब्जियों का जैसे ज़्यादा काम होता नहीं है सांभर में, बिना सब्जियों के भी सांभर बहुत अच्छा बन जाता है, पर मेरे पास सब्जियां थी तो मैंने डाल दी, साथ में एक टमाटर भी डाल दिया था। और ये मेरा अपना घर का सांभर मसाला है, तो दो बड़े चम्मच मैंने भर के डाल दिया है, साथ में थोड़ी मिर्ची डाली है, नमक डाला है, और ये एकदम सूखा सूखा सा है ना, तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूँगी मैं, क्योंकि इसको मुझे अभी एक भाप लगवाना है। थोड़ा पानी मैंने इसमें और डाल दिया है क्योंकि सांभर तो पतला पत्ता ही अच्छा लगता है, और वैसे भी मेरी दाल कम है और सांभर का जो मसाला है वो ज़्यादा है। तो इतनी देर फिर मैंने सोचा चलो इडलियों का बैटर तैयार करके रख देती हूँ। तो सूजी ली है, दही ली है, थोड़ा सा नमक डाला है, और पहले मैं ना इनो डाला करती थी इडली बनाने के लिए, तो अब मैंने इनो डालना बंद कर दिया है क्योंकि इनो का एक पाउच 10 रुपये का आता है, और उसके बजाय अगर हम सोडा डालते हैं ना तो वो हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है। और हाँ, अगर आपको एकदम से जल्दी इडली बनानी है तब तो आपके लिए इनो बेस्ट है, और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप सोडा का इस्तेमाल करो, क्योंकि यही छोटी छोटी सी बचत होती हैं, किफ़ायत से हमें चलना चाहिए अपने घर में। तो अब तो मैं सोडा ही डालती हूँ और आधा घंटे के लिए उसको बैटर को रख देती हूँ। सांभर मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, और बीच में मैंने इसमें थोड़ा सा ना गुड़ भी डाला था, वो शायद क्लिप मैंने दिखाया नहीं है, तो हल्का सा मैंने गुड़ भी डाला था इसमें, तो सांभर तो खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है। और अब ये इडली मैं बनाने लगी हूँ, तो इडली के सांचों में मैं थोड़ा थोड़ा सा देसी घी लगा रही हूँ ताकि अच्छे से उनकी ग्रीसिंग हो जाए और इडलियाँ चिपके ना। ये देखो कितनी अच्छी फूल गई है ये सूजी, और इससे अब मैं बनाऊंगी इडलियाँ। हल्का सा इसमें मैंने पानी डाला है क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा थिक हो रहा था एकदम से, तो बिल्कुल बराबर बराबर सा मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये देखो ज़रा सा टपक ही गया इडली की शेप ख़राब करने के लिए, तो मैंने फिर ये आराम से सारे डाले हैं। और पता नहीं क्या बात है, हर बार मेरा मतलब
बिल्कुल इतना सा इडली का बैटर बचता है कि ना मैं उसका इडली और बना सकती हूँ और फेंकने को भी मेरा मन नहीं करता। तो पूरी पूरी मैंने इसमें इडलियाँ बना ली हैं और ये देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना सा बैटर मेरा बचा है, ये देखो। तो चलो फिर पानी तो मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए, तो सांचों को लगाती हूँ स्टैंड के अंदर और रख देती हूँ उसके अंदर। और हाँ, ये इडलियाँ जो है ना थोड़ा तेज़ गैस पे ही बनानी चाहिए, नहीं तो ये फूलती नहीं है। कौन है? कितनी गर्मी हो रही है, पसीने से पूरा मुंह भर गया। कहने को ही मौसम चेंज हुआ है पर गर्मी अभी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, सिर्फ इडली और सांभर बनाया है और उसमें ही हालत ख़राब हो गई। इडलियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। और हाँ, थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाए ना तब इडलियाँ निकालनी चाहिए, तो बिल्कुल आराम से बिना एफर्ट्स के निकल आती हैं ये। तो ये देखो मेरी इडलियाँ। और बस हाथ के हाथ सफाई करते जाना चाहिए। और बस एक लास्ट काम बचा है तड़का लगाने का, तो थोड़ा सा ही मैंने ऑयल लिया है और कड़ी पत्ता लिया है, थोड़े से सरसों के दाने हैं और एक लाल मिर्च ली है मैंने, और इसमें अलग से और मिर्ची नहीं डाली मैंने, बस इतने का ही तड़का लगाऊंगी मैं, क्योंकि सारा तो मैंने पहले ही डाल ही दिया है इसमें सामान। और बहुत टेस्टी बना था सांभर हमारा। तो अब मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलूंगी आपसे फिर किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। तो राधे राधे सभी को। गिर भी गया।